स्वागत है आप लोगों को हमारा चैनल AHMJ न्यूज पर। मैट्रिक की परीक्षा देना शुरू हो चुका है। जी हां, मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो चुका है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना काल में भी सबसे पहले मैट्रिक की परीक्षा लेना शुरू कर दिया गया है। जी हां, आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो चुका है। तो देखिए इस वीडियो में पूरा रिपोर्ट कि किस तरह से मैट्रिक को परीक्षा देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा छात्रों को और कैसी सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो पूरा जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। पटना में 74 परीक्षा केंद्रों पर होगी इसकी परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए 10 सेटों में प्रश्न पत्र होंगे। सभी जिलों में 4-4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में लगभग धारा 144 को लागू कर दिया गया है। 500 परीक्षार्थियों पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है। एडमिट कार्ड गुम होने पर कुछ शर्तों के साथ परीक्षा की इजाजत दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर जैसे पहली बार बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने इंटर की परीक्षाओं को आयोजित किया, अब बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जिसने बोर्ड की परीक्षाओं को भी आयोजित किया है। आज से बिहार में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 12वीं के बाद 10वीं के एग्जाम हो रहे हैं। कोरोना काल में एग्जाम को लेकर क्या तैयारी की गई है और इस बार एग्जाम के पैटर्न में क्या बदलाव किए गए हैं, इसको जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट देखना होगा। कोरोना काल में बड़ी चुनौती, बिहार में एक और बड़ा इम्तिहान, 12वीं के बाद 10वीं का एग्जाम। बिहार में बुधवार से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब मैट्रिक के इम्तिहान की बारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने पारदर्शी परीक्षा कराने का दावा किया है। जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है उसे सैनिटाइज किया गया है ताकि छात्र संक्रमण मुक्त माहौल में परीक्षा दे सके। जिस तरह से इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार वातावरण में हुआ और COVID-19 के संक्रमण से संबंधित जो SOP है उसका अनुपालन किया गया, ठीक उसी पैटर्न पे आगे भी मैट्रिक की परीक्षा संपन्न होगी। दरअसल कोरोना के बीच बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां समय से इंटर की परीक्षा ली गई और अब बोर्ड की परीक्षा भी आयोजित कराई जा रही है। इस बार बोर्ड एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि छात्रों को हर प्रश्न के साथ वैकल्पिक प्रश्न भी दिए जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, हर एक प्रश्न के साथ एक और प्रश्न होगा। छात्रों को किन्हीं दो सवालों में एक सवाल के जवाब देना होगा। 16,84,466 स्टूडेंट्स होंगे शामिल। छात्राओं की संख्या 8,37,803, छात्रों की संख्या 8,46,663। जूता मोजा पहनकर छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति। पटना में 74 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र के 10 सेट होंगे। सभी जिलों में 4-4 आदर्श परीक्षा केंद्र, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही एंट्री। छात्रों, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य। अभी तक तो सरकार का जो परीक्षा भी या अन्य कार्यों में जब व्यक्ति एक से ज़्यादा जमा होते हैं तो पहली सुरक्षा उन लोगों को, अभी भी कोविड का चल रहा है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, तो उस सुरक्षा के कारण जो छिड़काव करना है बिल्डिंग आदि में कमरे में, वो कार्य भी मेरे यहाँ भी चल रहा है। बिहार में खासकर मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराना एक बड़ी चुनौती समझा जाता था, लेकिन पिछले कुछ साल में बिहार बोर्ड ने नकल पर नकेल कसी है। हालांकि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का वायरल हो जाना एक बड़ी चुनौती है,